सो आई वॉज टेलिंग कि ये कैलकुलेशंस करके आपके पास ये आंसर आ गया है. सो क्लियरली ये जो आपके पास कंडीशन आई है, इट शोज़ दैट एक्स डैश कॉमा वाई डैश लाइज ऑन दिस कर्व. सो इस कर्व को लाइक करते हैं तभी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना. तो क्वेश्चन में जैसे पूछा है उन्होंने लास्ट लाइन वैसे ही बोल दिया. देयरफॉर लोकस ऑफ एक्स डैश कॉमा वाई डैश इज, इसका लोकस, लोकस लेने का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका भी हम लोकस लेते हैं उस पॉइंट को एक्स और वाई पुट कर देते हैं. तो एक्स डैश को एक्स पुट कर देंगे, वाई डैश को वाई पुट कर देंगे, एंड हैंस यू विल गेट वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ अ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट. इससे पहले ये एक्सरसाइज है 3H, लेट मी शो इट टू यू. सो ये 3H एक्सरसाइज आपने कर लेनी है अपने आप. सो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट. ये आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ लेना अपने लिए, हमें सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है. दैट इक्वेशन ऑफ कोड इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू एस वन. सो एस हमेशा हमारा जनरल इक्वेशन, तो आपको टी भी निकालना आता है और एस वन भी निकालना आता है. लेट अस कम टू इट्स एग्जाम्पल्स. फाइंड द इक्वेशन टू द कोड ऑफ द सर्कल विच इज बायसेक्टेड एट द पॉइंट -2, 3 एंड इट्स पोल विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल. तो हमें इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है जिसका मिड पॉइंट गिवन है, और वो जो कोड है फिर उसका पोल भी फाइंड करना है हमें. सो लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 = 0. तो ये एस हो गया, इसकी हेल्प से एस वन निकाल लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट. टी निकाल लेंगे, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन -4. द इक्वेशन ऑफ कोड इज टी 2x + 3y - 4 -2x + 3y - 4 इज इक्वल टू एस वन, दैट इज 9. सो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ द कोड. अब हमें इसका पोलर भी निकालना है, सॉरी पोल भी निकालना है, एंड फाइंड इट्स पोल भी है. सो लेट एक्स वन वाई वन बी द पोल, देन इक्वेशन ऑफ पोलर विल बिकम सिंपली टी इक्वल टू 0. बोथ द इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन. So comparing the coefficients, you are getting values of x1 and y1. Hence, this is the pole. Next is second example. So second example में find the coordinates of the middle point of the chord of the circle. तो अभी हमें ये chord की equation given है और इसका midpoint निकालना है. So वही same करेंगे, हम ले लेंगे let x1 y1 be its midpoint. Then equation of chord in terms of its midpoint is given by t is equal to s1. ये कर दिया इन्होंने, ये है टी और ये है s1. सो टी इज इक्वल टू s1, इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई. नाउ इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइंस. सो कंपेयरिंग देयर कोफिशियंट्स, अब यहाँ पे इनमें अगर मैं इसको इक्वेट करती या इसको करती तो मेरे पास थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ आ रही हैं. तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको इज इक्वल टू k से बोल दिया. सो दैट x1 की वैल्यू आ गई k, y1 की वैल्यू आ गई 2k. अब अगर मैं ये वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करती तो अगेन मेरे पास क्वाड्रेटिक इन k बन जाएगा. वो भी आप कर सकते हो, बट ये मेथड बेटर है क्योंकि हमने ये जो x1 y1 लिया है ये मिड पॉइंट ऑफ द कोड है, तो ये कोड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो यानी कि x1 y1 इस कोड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. यस, देखो जब हम कोई सर्कल है, ये कोड की कोड है, ये इसका मिड पॉइंट है. तो ए x1 y1 हम लेके चले और हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर ली, और एक इक्वेशन हमें इसकी ऑलरेडी गिवन थी. तो यानी कि ये जो पॉइंट है ये उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो x1 y1 को उसमें सेटिस्फाई करवा दिया, एंड देन ये x1 y1 की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने से हमें k की वैल्यू मिल गई. उस k की वैल्यू की हेल्प से हमें x1 y1 की वैल्यूज़ मिल गई. सो आप ये चेक कर लेना कि k की ये जो वैल्यू है ये इसको भी सेटिस्फाई करनी चाहिए. सो k इज इक्वल टू 1 क्लियरली इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता. के इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो x1 आ रहा है 1, y1 आ रहा है 2. तो 1 + 4 = 5, 5 / 5 इज इक्वल टू 1. सो येस इट इज सेटिस्फाइंग, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 1, 2. नेक्स्ट इज फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कोड्स ऑफ द सर्कल विच टच दिस सर्कल. सो अब इस केस में आपको मिड पॉइंट निकालना है ऑफ द लोकस ऑफ द सॉरी वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस मिड पॉइंट ऑफ कोड्स एंड दिस कोड इज टचिंग सम अदर सर्कल. सो सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोड
तो अगर x1 y1 इसका मिड पॉइंट है तो t इक्वल टू s1 करके इक्वेशन ऑफ कोड आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इट्स मिड पॉइंट. नाउ वी आर गिवन दैट दिस कोड इज टचिंग दिस सर्कल, तो इसके सेंटर यानी कि 4.3 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन का शुड बी इक्वल टू द रेडियस 6. सो 4.3 से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4x1 प्लस 3y1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ओवर अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 6. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. अगर ये होता है x1, y1, अगर ये होता है x1, y1 और ये लाइन की इक्वेशन होती है देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज lx1 प्लस my1 प्लस n ओवर अंडर रूट l² प्लस m². सो अगेन ये फॉर्मूला बार बार यूज़ हो रहा है और मैंने आपको दोबारा कोट करके दिखा दिया. सो वही किया इन्होंने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू 6, देन इस प्लस माइनस को हटाने के लिए स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग करके इसको पूरा सॉल्व करके दिस इज द आंसर. And now we have to take locus of the midpoint, so we are taking locus of x1, y1. That is, x1 को x put कर देंगे और y1 को y put कर देंगे. So this is the required equation. Next example number 4 is wrong. ये आपको नहीं करना है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ statement में कुछ technical problem है. Next is example number 5. प्रूव दैट लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ कोर्स ऑफ द सर्कल. सो अगेन हमें लोकस किसका फाइंड करना है, मिड पॉइंट्स का, ऑफ द कोर्स ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो ये जो कोर्ड्स हैं ये ओरिजिन से पास कर रही हैं. इज अ सर्कल, इसका मतलब देखो जब मैंने यहाँ पर लोकस लिया था, लोकस लेने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई ना, ये वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स वाई बन रही है. तो ये इक्वेशन किसी ना किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही होगी और वो कर्व कैसे आएगा, वो सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो सिमिलरली यहाँ पे अब हमने शो करना है कि जब हम मिडिल पॉइंट ऑफ कोर्ड्स का लोकस लेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक सर्कल होना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट, वी हैव टू टेक लोकस ऑफ मिड पॉइंट. सो वी विल टेक लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ द कोर्ड, देन इक्वेशन ऑफ कोड विल बी गिवन बाय टी इज इक्वल टू s1. ये s1 आ गया, ये टी को इन्होंने पूरा सॉल्व कर दिया, सो टी इज इक्वल टू s1. नाउ वी आर गिवन दैट दीज कोड्स आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो जब ओरिजिन उसे पास कराओगे तो x0 y0 पुट करेंगे, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी. तो ये कंडीशन बच गई हमारे पास. नाउ वी हैव टू टेक लोकस ऑफ x1 y1. तो जब हम x1 y1 का लोकस ले रहे हैं तो हमारे पास ये आंसर आ गया. नाउ चेक कर लो कि क्या इसके सेंटर हैं. अगर आप देखो तो ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है या नहीं, इसके सेंटर बन रहे हैं 1/2, 3/2 और इसका कुछ रेडियस भी आ जाएगा. सो क्लियरली लोकस इज अ सर्कल. ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 3i. सो ये 3i अपनी एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा लेंथ ऑफ द टेंजेंट.